कंगना रनौत ने एक वीडियो जारी किया और कहा कि मुझे एयरपोर्ट पर थप्पड़ मारा गया, किसान आंदोलन का जिक्र किया, थप्पड़ मारते वक्त आंदोलन का जिक्र किया, ये कहा कंगना ने। महिला सुरक्षाकर्मी ने गाली भी दी। कंगना की तरफ से कई आरोप लगाए गए हैं, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट की, जहां पर कंगना रनौत ने खुद पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाया है एक CISF की महिला जवान पर, और साथ ही साथ अब उनकी तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया है, इस वीडियो को आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा कंगना ने वीडियो में अपनी बात भी रखी है और कहा है कि किसान आंदोलन का जिक्र किया उस CISF महिला जवान ने और थप्पड़ मारते वक्त आंदोलन का उसने जिक्र किया, महिला सुरक्षाकर्मी ने मुझे गाली भी दी। ये कई आरोप कंगना रनौत की तरफ से लगाए गए हैं, वीडियो भी आप देख पा रहे हैं और आरोपी महिला जवान को भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी CISF की, उन्होंने मेरे उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माय कंसर्न इज़ कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। वही जिस महिला CISF जवान पर आरोप लगा है उसका भी बयान वायरल हो रहा है। घटना के बाद लोगों से वो कहते हुए दिखाई दे रही है कि कंगना ने बयान दिया था, आंदोलन वाली महिलाएं 100-100 रुपए के लिए बैठती हैं, सड़कों पर बैठती हैं, उसमें मेरी माँ भी बैठी थी। और हमारे स्वेगी प्रियंका इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। प्रियंका, क्या जानकारी, क्या अपडेट इस खबर से संबंधित? कंगना का भी वर्जन आ गया है और साथ ही साथ उस आरोपी महिला सिपाही का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कहती हुई दिखाई दे रही है कि इन्होंने बयान दिया था कि 100-100 रुपए लेकर महिलाएं धरने में शामिल होती हैं। जी बिल्कुल, और ये जो बयान आया है ये कांस्टेबल की तरफ से उसी को आधार माना जा रहा है, जिस तरीके का उसकी बदसलूकी जो कंगना रनौत के साथ एयरपोर्ट पे हुई है। और कंगना रनौत ने खुद इस पूरी बात की घटना की जानकारी दी है घटना तरफ की, और साथ ही साथ दोबारा ये सवाल उठा दिया है कि पंजाब में जिस तरीके से अलगाववाद और आतंकवाद बढ़ रहा है उसको किस तरीके से हैंडल किया जाए, ये अभिप्राय होनी चाहिए। इस पूरी घटना का ब्यौरा देते हुए उन्होंने आखिर में इसी बात को रखा। हालांकि जब कंगना एयरपोर्ट से निकल रही थी तब उन्होंने ये बात कही थी कि वो दिल्ली जाकर होम मिनिस्टर में इसकी शिकायत करेगी। अभी तक जो जानकारी मिल रही है CISF की अपनी इंक्वायरी इस पूरे मामले पर बैठ चुकी है, और ऐसे में अभी जो वो लेडी कांस्टेबल है उसको बैठाकर जो इंक्वायरी है वो चल रही है और जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या सिर्फ या क्या इसका पूरा मुद्दा था और क्या इंटेंशन थी उस तरीके की बदसलूकी थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए जब एयरपोर्ट पर कहासुनी हो रही थी और कंगना का आरोप है कि इसी दौरान उनको थप्पड़ मारा गया, और दूसरी तरफ उस महिला जवान को आप देख पा रहे हैं जो कि आंदोलन का जिक्र करते हुए कह रही है कि कंगना ने कहा था कि 100-100 रुपए लेकर महिलाएं आंदोलन में शामिल होती हैं और उसमें मेरी माँ भी बैठी थी।